दोस्तों फिर सब सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे और हैप्पी भी होंगे, क्योंकि कल ही न्यूज़ आई है कि विजिट वीज़ा वालों के लिए जो है, टूरिस्ट वीज़ा वालों के लिए यूएई दुबई जो है वो ओपन हो रहा है कल से, मतलब 30 अगस्त से। ठीक है, 30 अगस्त 2021 से। बहुत बहुत इंतज़ार किया है काफ़ी सारे लोगों ने, क्योंकि उनको यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज वहाँ पे फंसी थी, मतलब हस्बैंड यहाँ पे, वाइफ वहाँ पे, वाइफ यहाँ पे तो हस्बैंड वहाँ पे, इस तरीके से काफ़ी सारे लोग फंस गए थे, काफ़ी सारे जॉब करने वाले वहाँ पे फंस गए थे, काफ़ी सारे जॉब सर्चिंग को आने वाले वहाँ पे फंस गए थे। तकरीबन 5-6 महीने का ये टाइम बहुत बुरा गुजरा है दोस्तों उनके लिए, मगर फाइनली ये न्यूज़ आ गई है कि डायरेक्टली, काफ़ी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि वो लोग 14 डेज के लिए कहीं और जा कर रहे फिर यहाँ पे आ सकते हैं, मगर अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 30 अगस्त से जो भी दुबई आना चाहता है वो डायरेक्टली कहीं से भी आ सकता है, सारी कंट्रियों के लिए ओपन हो गई है इंक्लूडिंग इंडिया। गाइडलाइंस अभी तक नहीं आई है, मगर गाइडलाइंस क्या होगी मुझे थोड़ा सा आइडिया है, तो मैं इसी वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर हम लोग जॉब्स रिलेटेड भी बात करेंगे कि जॉब का क्या मार्केट है, और अभी आना सही रहेगा जो लोग विजिट वीज़ा लेकर बैठे हैं या जो लोग विजिट वीज़ा लेकर यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए। तो गाइडलाइंस मेरे हिसाब से ये होगी, जो भी होंगी उसके ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जब आएंगी। गाइडलाइंस ये होंगी दोस्तों, जैसे लास्ट टाइम था 48 आवर्स पहले आपके पास कोरोना टेस्ट होना चाहिए यहाँ ट्रैवल करने से पहले, एयरपोर्ट पर जाने के बाद रैपिड टेस्ट आपका फिर से होगा, ठीक है, उसके बाद आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपके पास कुछ कैश होना चाहिए, कैश, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने 3,000 दिरहम का कुछ कैश का रखा था ना, इस हिसाब से 2-3 गाइडलाइंस होंगी बस, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। और आपकी जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, वैक्सीनेशन के दोनों भी डोज कंप्लीट होने चाहिए, उसका सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और पीसीआर रिपोर्ट जो भी आप 48 आवर्स पहले निकाल रहे हो वो जहाँ से भी ले रहे हो वो ICMR अप्रूव्ड या अच्छा वाला इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जो QR कोड के साथ आपका सर्टिफिकेट मिलता है। अगर QR कोड स्कैन करते हो तो आपका रिजल्ट ऑनलाइन जो है देख सकते हो, इसके अलावा कोई गाइडलाइंस होनी नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं जॉब के ऊपर कि क्या जॉब कहलाता है, किस तरीके से है, और अभी आना सही रहेगा क्या। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 5 महीने से फ्लाइट्स बंद है, सिर्फ आउटगोइंग है, मतलब लोग जा सकते हैं। इमेजिन करो, सिंपल सी बात बताता हूँ, मुंबई अगर बंद हो जाए, ठीक है, मतलब आना अंदर, और मुंबई में सिर्फ लोग जा सकते हैं, तो क्या हालात होंगे, आप थोड़ा सा आप खुद ही सोचो क्या हो सकता है। बिजनेस को यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं है, सारा ओपन है, ऐसा नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम है, सारे मॉल्स ओपन है, हर जगह ओपन है, सिर्फ क्या करना है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। काफ़ी सारे लोगों के रिलेटिव्स की डेथ हो गई है, काफ़ी सारे लोग बीमार थे, इस बहाने से काफ़ी सारे लोग यहाँ से चले गए हैं। इनकमिंग बंद है, आउटगोइंग चालू था, दुबई में आना बंद था, तो इस हालात में क्या हो गया, लोग नहीं है यहाँ पे। इवन मैंने यहाँ पे स्टडी किया, काफ़ी सारी क्लीनिंग कंपनियों को यहाँ पे इवन क्लीनर्स नहीं मिल रहे, वो लोग ऐड लगा लगा के थक गए, 50 क्लीनर चाहिए। कल मैंने खुद एक ऐड देखे कि उनको 500 क्लीनर्स की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये हालात हो गए फ्लाइट्स बंद होने के कारण, क्योंकि यहाँ के लिमिटेड ही लोग रहेंगे ना, लिमिटेड लोग रहेंगे, उनको एक तो यहाँ से जा सकते हो, अंदर कोई नहीं आ सकता, तो प्रॉब्लम क्या हो गया, ह्यूमन जो मतलब टीम है वो कम पड़ रही है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ आप कि क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से फ्लाइट्स ओपन हो रही है, 1-2 दिन वेट करो, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, जो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जिनकी थोड़ी सी कंडीशन अच्छी है, वो अभी टाइम वेस्ट नहीं करो, अभी आओगे आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे जॉब जो है वो मिल जाएगा। हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, टिप्स मेरे फॉलो करो जो मैंने बताए हैं जॉब सर्चिंग के लिए क्या क्या लगने वाला है आपको, और उस तरीके से जॉब सर्चिंग करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिनको सच में ज़रूरत है जॉब की, ठीक है, वो लोग मेरा वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करें, वर्कशॉप अटेंड करना ही करना है। वर्कशॉप अगर आप अटेंड नहीं करते हो तो मैं मतलब ये नहीं कंपलसरी मैं बता रहा हूँ कि करो ही करो, ठीक है ना, काफ़ी सारे पॉइंट्स मैं उसमें कवर कर रहा हूँ, एक सरप्राइज पॉइंट है एक्चुअली, वो भी मैं उसमें कवर कर रहा हूँ।
तो उससे थोड़ा सा आपको एक होता है ना, देखो वीडियोस तो सारे देख रहे हैं, तकरीबन 450 वीडियोस मैंने बनाए, और मेरे हिसाब से मुझे वो इफेक्टिव नहीं लग रहा है जितने लोगों को यहाँ पे जॉब मिलना चाहिए। काफ़ी सारे लोग अभी भी मुझे मैसेज करते हैं, तो मुझे दुख लगता है कि सर मैं 1 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, 2 साल से मुझे मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली है, या मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया किसी कंपनी से। तो मुझे बुरा लगता है कि क्या फिर आप किस तरीके से देख रहे हो। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक पर्सनल वर्कशॉप लेता हूँ जूम पे, ठीक है ना। उस वर्कशॉप में क्या होगा कि मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ, आपकी प्रॉब्लम जान सकता हूँ, मैं आपका सीवी देख सकता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली गाइड कर सकता हूँ कि ये करो ये करो, ये करने से आपको कॉल भी आ जाएंगे, आपको जॉब मिल जाएगा दुबई में, ठीक है ना। चलो ये बात हो गई। तो दुबई का इस तरीके से मार्केट इतने टाइम से बंद था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अभी जो है वो एक्सपो होने वाला है, अक्टूबर में एक्सपो है, तो उस हिसाब से इनको 25 मिलियन लोगों को शायद इधर लेके आने का टारगेट मिला है, मतलब टारगेट है इनका कि वहां पे विजिट होने के, तो उस हिसाब से इनको टीम की जरूरत है, एम्प्लॉयज की जरूरत है। तो आप अभी ट्राई करो, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करो। इंडिया से ट्राई कर रहे हो तो इंडिया से ट्राई करते रहो, जो लोग यहाँ आने चाहते हो वो लोग टाइम वेस्ट नहीं करो, जल्दी से जल्दी आ जाओ, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई भी आपका डाउट है मेरी टीम है उसका नंबर यहाँ पे चलते रहते हैं, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं कोशिश यही करूँगा कि अब मैं जो है हफ्ते में 2 बार आपके लिए जॉब्स के रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ, नए नए कुछ टिप्स बताऊँ ताकि आपको जो है इजीली जॉब मिले। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो मेरे पिछले वाले वीडियोस देखना मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोस बने। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।